हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, इस वीडियो में आपके लिए लेकर आ गया हूँ डेली करंट अफेयर्स के अंतर्गत 10 मई के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्विज, जो कि सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स यूपीएससी, पीएससी, एसएससी, बैंक, रेलवे और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्योंकि दोस्तों, आजकल जो है करंट अफेयर्स का महत्व काफ़ी बढ़ गया है। एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इस सेक्शन से जो है तो लगभग 5 से 6 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जा रहे हैं। और दोस्तों, जो मैं करंट अफेयर्स की वीडियो तैयार करता हूँ, विभिन्न न्यूज़पेपर्स, वेबसाइट्स के माध्यम से कलेक्ट करता हूँ, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्विज हो जाता है। आपका दिन भर का जो करंट अफेयर्स है पूरा कवर कर देता हूँ, जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्विज होते हैं, और विस्तार से चर्चा करता हूँ। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और दोस्तों, इस वीडियो की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने के लिए आप वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक दे दिया हूँ, तो आप वहाँ जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आने पर लाइक और शेयर जरूर करें। और वीडियो के लास्ट में करंट अफेयर्स क्विज है, उसको भी आपको सॉल्व करना है, इसलिए वीडियो को मिस मत करिए, अंत तक देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो वीडियो शुरू करने से पहले, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो इस तरह की रेड कलर की सब्सक्राइब बटन है उसमें क्लिक कर दे, साथ में जो बगल में बेल आइकन उसको भी ऐसे करके ऑन कर ले, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्योंकि दोस्तों, मैं करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो है तो डेली करंट अफेयर्स प्रतिदिन अपने चैनल पर डेली अपलोड कर रहा हूँ, उसको आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का वीडियो बिना देर किए हुए। दोस्तों, पहला प्रश्न है, फोर्ब्स की 2018 की सूची में दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोगों की सूची में मोदी जी कौन से स्थान पर हैं। तो फोर्ब्स की 2018 की सूची जारी हुई, उसमें दुनिया के जो सबसे शक्तिशाली लोगों में भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी दोस्तों इसमें 9वें स्थान पर आए हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, इसमें जो है तो चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग फर्स्ट नंबर पर है, ठीक है, पहले स्थान पर। और इसके बाद जो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप क्रमशः जो दोस्तों दूसरे और तीसरे स्थान पर, यानी चीनी राष्ट्रपति सेकंड और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तीसरे स्थान पर। और सूची में जो एकमात्र अन्य भारतीय हैं, और रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष जो हैं दोस्तों मुकेश अंबानी, वो 32वें स्थान पर हैं, ठीक है। और भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी फेसबुक सीईओ, आपको पता है, मार्क जुकरबर्ग जो हैं उनसे आगे हैं। मार्क जुकरबर्ग 13वें स्थान पर है और मोदी जी 9वें स्थान पर है। अब देखिए दोस्तों, फोर्ब्स के बारे में बता दूँ आपको, जो फोर्ब्स है वो अमेरिकी बिजनेस पत्रिका है, उसकी स्थापना कब हुई थी, 1917 में, ठीक है। और इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, वो है न्यूयॉर्क शहर अमेरिका में। तो इससे रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है मैं आपको बता दिया हूँ, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो फोर्ब्स की 2018 की सूची में दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोगों की सूची में मोदी जी कौन से स्थान पर हैं, तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर है 9वें स्थान पर, और पहले नंबर पर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम की दृष्टि से, इसलिए आपको ये याद रखना है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, किस राज्य की विधानसभा से पारित न्यूनतम वेतन संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों वो है दिल्ली सरकार, ठीक है। देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने दिल्ली विधानसभा द्वारा पारित न्यूनतम वेतन में संशोधन कानून को मंजूरी दे दी है। विधानसभा से पारित न्यूनतम वेतन संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद अब दिल्ली में तय न्यूनतम मजदूरी नहीं देने वाले बिजनेसमैन पर कानूनी कार्रवाई करेगा। तो किस राज्य की विधानसभा से पारित न्यूनतम वेतन संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर है दिल्ली सरकार, और दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित देशों में से किसने ईरान के साथ वर्ष 2015 के ऐतिहासिक परमाणु समझौते को समाप्त करने की घोषणा की है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों अमेरिका। देखिए दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ 2015 के ऐतिहासिक परमाणु समझौते से अलग होने की घोषणा की है। ट्रंप ने ईरान के खिलाफ नए प्रतिबंधों पर हस्ताक्षर और दुनिया के अन्य देशों को ईरान के विवादास्पद परमाणु हथियार कार्यक्रम में सहयोग न देने की चेतावनी भी दी है। तो निम्नलिखित देशों में से किसने ईरान के साथ 2015 के ऐतिहासिक परमाणु समझौते को समाप्त करने की घोषणा की है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अमेरिका ने, ठीक है। तो आपका दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 10 से 12 मई 2018 के बीच 15वें एशिया मीडिया शिखर सम्मेलन का आयोजन कौन सा देश करेगा, तो दोस्तों 10 से 12 मई 2018 के बीच 15वें एशिया मीडिया शिखर सम्मेलन का आयोजन दोस्तों भारत देश करेगा, ठीक है, भारत देश। देखिए दोस्तों, 10 से 12 मई 2018 तक चलने वाले 3 दिवसीय 15वें एशिया मीडिया शिखर सम्मेलन की नई दिल्ली में मेजबानी करेगा। शिखर सम्मेलन का आयोजन एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट यानी AIBD अपने सहयोगियों तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के सहयोग से कर रहा है, ठीक है। तो 10 से 12 मई 2018 के बीच 15वें एशिया मीडिया शिखर सम्मेलन का आयोजन कौन सा देश करेगा, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए भारत, ठीक है। आपका तीसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ, चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में पहले एकीकृत स्मार्ट सिटी नियंत्रण केंद्र को लॉन्च किया गया है,
इसका राइट आंसर है दोस्तों मध्य प्रदेश। ठीक है, देखिए दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित स्मार्ट सिटी मिशन को वास्तविक धरातल पर उतारने की दिशा में एक बड़ी कामयाबी पाते हुए मध्य प्रदेश के 7 स्मार्ट सिटी शहरों के लिए देश के पहले एकीकृत नियंत्रण और कमान केंद्र का 8 मई 2018 को शुभारम्भ किया गया। तो किस राज्य में पहले एकीकृत स्मार्ट सिटी नियंत्रण को लॉन्च किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश में। ठीक है, चौथा क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बिजनेस ऑप्टिमिज्म इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है, बिजनेस ऑप्टिमिज्म इंडेक्स में भारत को जो है तो 4th स्थान मिला है। ठीक है, देखिए दोस्तों, कंपनियों के विश्वास सूचकांक यानी ऑप्टिमिज्म इंडेक्स में भारत इस साल की पहली तिमाही में 6th पायदान पर आ गया है। एक वैश्विक सर्वे के अनुसार व्यापार को लेकर धारणा 4 साल में सबसे कमजोर होने के बीच भारत की वैश्विक रैंकिंग में एक गिरावट आई है। तो बिजनेस ऑप्टिमिज्म इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी 4th स्थान मिला है। 5वां क्वेश्चन भी कंप्लीट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, IoT प्लेटफॉर्म के लिए किस तकनीकी कंपनी ने एंड्रॉयड थिंग्स लॉन्च किया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, गूगल। ठीक है, देखिए दोस्तों, अल्फाबेट इंक के गूगल ने एंड्रॉयड थिंग्स यानी कोडनाम ब्रिलो लॉन्च किया, जो कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स उपकरणों जैसे स्मार्ट घरेलू उपकरणों और अन्य स्मार्ट मशीनों के लिए एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का ही एक प्रकार है। तो IoT प्लेटफॉर्म के लिए किस तकनीकी कंपनी ने एंड्रॉयड थिंग्स लॉन्च किया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, गूगल ने लॉन्च किया है। 7वां क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने देश के जनजातीय जिलों में वन धन विकास केंद्र को विस्तार करने की योजना बनाई है। किस राज्य में यह योजना 2018 में शुरू की गई थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है वो छत्तीसगढ़। देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 14 अप्रैल 2018 को छत्तीसगढ़ राज्य के बीजापुर में वन धन विकास केंद्र का शुभारंभ करने के बाद और जनधन वनधन तथा गोवर्धन योजनाओं को एकजुट करने के उनके आग्रह पर भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय ने देश के जनजातीय जिलों में वन धन विकास केंद्रों को विस्तार करने का प्रस्ताव किया है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों छत्तीसगढ़। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उस व्यक्ति का नाम बताएं जिन्हों भारत का नए कैबिनेट सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों वह व्यक्ति जो है प्रदीप कुमार सिन्हा है, जिन्हें भारत के नए कैबिनेट सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। देखिए दोस्तों, केंद्र सरकार ने कैबिनेट सचिव प्रदीप सिन्हा का कार्यकाल 1 साल के लिए और बढ़ा दिया है। PK सिन्हा का कार्यकाल जो है अगले महीने खत्म होने वाला था। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग यानी DOPT की जारी आदेश के अनुसार PK सिन्हा का कार्यकाल अगले साल तक के लिए बढ़ा दिया गया है। अब उनका कार्यकाल जो है 12 जून 2018 को खत्म हो रहा था, तो उनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। तो उस व्यक्ति का नाम बताएं जिन्हें भारत के नए कैबिनेट सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। तो उसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर है, प्रदीप कुमार सिन्हा को भारत के नए कैबिनेट सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। 8वां क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 10वें नंबर का, किस शहर में यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग कोर्स फॉर अफ्रीकन पार्टनर्स यानी UNPCAP के 3रे संस्करण का उद्घाटन किया गया है? जिसका राइट आंसर दोस्तों नई दिल्ली। देखिए दोस्तों, यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग कोर्स फॉर अफ्रीकन पार्टनर्स यानी UNPCAP के 3रे संस्करण का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। ठीक है, तो ये थे करंट अफेयर्स के आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखते हैं जो कल की करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था उसका आंसर क्या है। मैंने कल करंट अफेयर्स क्वेश्चन पूछा था, अंतर्राष्ट्रीय बाल रंगमंच समारोह किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो काफ़ी लोगों ने करेक्ट आंसर दिया था। उसका राइट आंसर है दोस्तों कोलकाता में। ठीक है, अब देख लेते हैं आज की जो करंट अफेयर्स की क्विज है दोस्तों। आज का सवाल है, भारत ने किस सरकारी योजना के लिए विश्व बैंक के साथ $200 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपको बताना है। सभी लोगों को कमेंट करना है, मैं सभी कमेंट रीड करता हूं। यदि आप हमारी कल की करंट अफेयर्स की वीडियोस देखे होंगे तो निश्चित रूप से आपको आंसर पता होगा, और मैं डेली ऐसी वीडियोस अपलोड करता हूं, तो आप डेली देखिए और कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर दिया करें दोस्तों, इससे जो तो मोटिवेशन मिलता है, प्रेरणा मिलती है ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए। और यदि आप कल की वीडियोज़ नहीं देखे हैं करंट अफेयर्स की, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर अभी प्ले हो जाएगी वीडियो, जस्ट अभी प्ले हो जाएगी, तो देख लीजिए। और आप चैनल प्ले लिस्ट में जाकर जो तो डेली करंट अफेयर्स की वीडियोज़ भी देख सकते हैं। तो कल की करंट अफेयर्स की वीडियो के साथ मिलते हैं दोस्तों, मैं डेली वीडियोस अपलोड करता हूं, तो प्लीज़ ज़रूर देखा करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो कल की वीडियोस के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, ऑल द बेस्ट, नमस्कार।